नमस्कार दोस्तों, अब देखिए हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में नेक्स्ट लेक्चर है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में ही हमने दो केस पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे कि अगर साइन और कोसाइन का ट्रिग्नोमेट्रिक हो या उनकी पावर्स हो तो कैसे सोल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो और दूसरा फंक्शन कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या फिर साइन हाइपरबोलिक हो या कोस हाइपरबोलिक हो, सेकंड फंक्शन कोई भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब आपके पास एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो तो हम यूज करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखना। यह कहती है अगर किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है और वो क्या है, एफ बार एस है, तो अगर उस फंक्शन को ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके लैपलास निकाला जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एस की जगह एस माइनस ए करना है। तो रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए इन दिस आंसर। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें सोल्व करना है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस थ्री टी और मल्टीप्लाई है टू कोस फाइव टी। पहले इसी को कर लेता हूं, सिमिलरली फिर मैं उसको कर दूंगा। देखिए क्या बना, टू बाहर आ जाएगा तो लैपलास फंक्शन हो e की माइनस थ्री टी कोस फाइव टी। नाउ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जिसमें से एक कैसी है, एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल है तो दूसरी का फंक्शन हमें पता है। व्हाट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस फाइव टी, क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 25। दिस इज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस फाइव टी। और अगर इसका निकालना है तो क्या कर दो, जस्ट रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए, और ए की वैल्यू अब की बार क्या है, यहां पर माइनस थ्री, तो एस की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, एस प्लस थ्री। तो रख दीजिए, क्या बन जाएगा, एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एस प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस 25। इज इट क्लियर। अब इसी तरह इसका निकाल लो, साइन 5t का क्या होता है, उसमें बस सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, a बाय आता है, तो साइन 5t का क्या हो जाएगा, 5 बाय s स्क्वायर प्लस 25, रिप्लेस s बाय s प्लस a। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मैं इसको अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो क्या बन गया, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 3t 2 cos 5t माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस थ्री टी और 3 साइन 5t। इज इट क्लियर। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई, इसका क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, एस ये हमारे पास साइन 5t का बन गया 5 बाय एस स्क्वायर प्लस 25, रिप्लेस कर दो एस की जगह एस प्लस 3 से, तो क्या बन जाएगा, 5 बाय एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। ये इसका आ गया। तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था हमारे पास, 2 एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, और माइनस में ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले दो, एलसीएम लेते ही आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है और इसका एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आया, एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो ऐसे कैसे लिख दो, एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, ऊपर क्या बन गया, 2s प्लस 6, और वहां क्या बन गया, माइनस 15, तो आंसर आ गया 2s माइनस 9
करना चाहो तो कर लेना, एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, 25 और 9 34, तो ये आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, तो वहां से आपके पास ये आ गया। देखिए हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछी जाती है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो और बाकी दूसरा फंक्शन कोई भी हो तो आप उसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास ये वाला कुछ केस हो गया हमारे पास इस बार, अब की बार क्या है, साइन हाइपरबोलिक या कोस हाइपरबोलिक हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, हमें साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक का पता होना चाहिए कि वो है क्या। देखिए साइन हाइपरबोलिक ए टी को मैं लिख सकता हूं ईरेस टू दी पावर ए टी माइनस ईरेस टू दी पावर माइनस ए टी बाय टू, और कोस हाइपरबोलिक को मैं लिख सकता हूं ईरेस टू दी पावर ए टी प्लस ईरेस टू दी पावर माइनस ए टी बाय टू। अगर आपको ये दो चीज पता हो तो साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई हो भी जाए तो दैट मींस वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ भी गिवन हो, लाइक एंड दैट फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लेट अस हियर राइट इट, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यूज कर लेंगे हम उसमें, ठीक है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t एंड कुछ भी लिख लो यहां पे कोस 3t। अब ये क्वेश्चन हो गया, नाउ ध्यान से देखना, साइन हाइपरबोलिक 8t है तो हम लिख देंगे e रेस टू दी पावर 8t माइनस e रेस टू दी पावर माइनस 8t बाय 2 और मल्टीप्लाई विद कोस 3t और हमें निकालना है इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। सेपरेट आउट कर दो, 1 बाय 2 बाहर, लैपलास ऑफ e की पावर 2t cos 3t माइनस लैपलास ऑफ e की पावर माइनस 2t cos 3t और यूज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन बोथ द केसेस, क्या बन जाएगा 1 बाय 2, अभी करा था इसका s बाय s स्क्वायर प्लस 9, शिफ्टिंग में क्या कर दो s की जगह रिप्लेस s प्लस 2, तो ये बन जाएगा s प्लस 2 बाय s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 माइनस, इसमें क्या रिप्लेस करना है s की जगह s माइनस a करना था ना, तो यहां पे आ जाएगा s माइनस 2, कोई बात नहीं माइनस आ जाएगा, अब क्योंकि उसमें माइनस है तो s की जगह क्या हो जाएगा s प्लस 2। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं, यहां प्लस कर जाएंगे, लेकिन s की जगह s माइनस a करना है और a की वैल्यू यहां 2 है और यहां पर माइनस 2 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा s प्लस 2 बाय s प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 9। सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लो, क्या बनेगा इनका सिंप्लीफिकेशन एलसीएम 1 बाय 2, ये क्या बन गया s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s, इज इट क्लियर, और प्लस 4 है तो 9 प्लस 4 13, इधर से क्या बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s और प्लस 13, यहां s प्लस 2 रह गया, यहां s माइनस 2 रह गया। अब भी देखना चाहो आप एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि आपके पास s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 है, s स्क्वायर 4s प्लस 13 है, तो ध्यान से देखना, इसको सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं हम एलसीएम लेके, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, 1 बाय 2 आपका बाहर ही है। नाउ s माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो और इधर से s प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एंड रीअरेंज देम, तो करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए s को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया s क्यूब, ठीक है, प्लस 4s स्क्वायर प्लस 13s
इज इट फाइन। नेक्स्ट माइनस टू से करोगे तो माइनस टू एस स्क्वायर माइनस एट एस, नेक्स्ट करोगे तो आपके पास माइनस 26। ये तो आया अभी एक वैल्यू से, दूसरी से और कर लो, माइनस साइन था अब इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया विद माइनस साइन, मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या बच गया एस क्यूब कोई बात नहीं प्लस टू एस स्क्वायर। नेक्स्ट फोर एस से करो माइनस फोर एस स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास माइनस एट एस, नेक्स्ट 13 से प्लस 13s, नेक्स्ट 26। इज इट क्लियर? अब एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, तो क्या करो साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करोगे तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर लो, एस क्यूब कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 13s कैंसिल आउट, 8s कैंसिल आउट और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहां पर आपके पास क्या बच गया देखिए 4s square is 8s square और उसमें से ये आपका एक माइनस हो जाएगा। देखिए अब इस 4s square से 2s कैंसिल, तो खाली आपके पास क्या बच गया 1/2 4s square और 26 और 26 52 डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू, ठीक है। मैं सेम ब्रैकेट लगा देता हूं। अब यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा 4 कॉमन एस स्क्वायर माइनस 13 बाय 2 और दो ब्रैकेट सेम, तो ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब दो ब्रैकेट सेम को भी सॉल्व कर सकते हो, दिस इज ए दिस इज बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपके पास वो क्या बन सकता है सिंप्लीफाई होके ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस बी होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो और नहीं करना चाहो तो ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज रख देना, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज रह जाएंगी और जो आपके पास बचा सिंप्लीफाई होके वो आंसर, तो लास्ट आंसर क्या बच गया आपके पास 2s स्क्वायर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। देखिए सिर्फ सिंप्लीफाई है, बाकी लगनी आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक हो या कोस हाइपरबोलिक हो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।